हेलो फ्रेंड्स ये एन बायोलॉजी फास्ट रिवीजन की थर्ड वीडियो है इससे पहले हम इसकी दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी पॉइंट एन में दिए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं पहला पॉइंट सेंट्रल डोगमा यहाँ पर दिया है यूनी या फिर वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी टू आर एंड आर टू प्रोटीन यानी कि डी से आर एंड आर से प्रोटीन तक इन्फॉर्मेशन के ट्रेवलिंग को या फ्लो को सेंट्रल डोगमा कहते हैं और ये फ्लो यूनी डायरेक्शनल कि केवल एक ही डायरेक्शन में होता है और इस कंसेप्ट को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था तो इसमें क्या होता है इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनती है जिसे कि हम ट्रांसलेशन कहते हैं और कई बार एम आर एन ए से वापस डी एन ए बन जाता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है है इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस ओराइजा सटाइवा यानी कि ये राइस ओराइजा सटाइवा की ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है जिसे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है और ये बीटा कैरोटीन रिच होती है जिसमें कि प्रोविटामिन ए पाया जाता है इसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं एंड दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म और इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं फोस्फेट ग्रेन्यूल्स साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स तो इन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको ये सब ध्यान रखने हैं आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से कौन इंक्लूजन बॉडी है तो आपको इन ऑप्शन में से इनमें से कोई भी मिल सकता है तो आपको ये ध्यान रखना है देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइगेजेज एनजाइम्स कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ़ टू कंपाउंड्स यानी कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि दो कंपाउंड को आपस में जुड़ने के लिए कैटालाइज या फिर उत्प्रेरक करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं सी यू सी एस सी एन पी यू तो ये सभी एग्जाम्पल आपके एन सी आर टी में दिए हैं इसलिए आपको ये याद रखने हैं देन इसके बाद है क्यूसेंट स्टेज इसे हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं सम टाइप ऑफ सेल्स सच एज नर्व एंड हर्ट सेल बिकम क्यूसेंट वेन दे रीच मेच्योरिटी बट कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर मेन फंक्शंस फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइफ यानी कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे कि नर्व एंड हर्ट सेल जो कि कुछ समय बाद डिवाइड होना बंद कर देती हैं लेकिन वो अपने मेन फंक्शन परफॉर्म करती रहती हैं ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ तक तो ऐसे सेल्स को उनकी क्यूसेंट स्टेज कहते हैं तो ये एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जैसे कि नर्व सेल एंड हर्ट सेल यानी इसके बाद है पोरेंस आर प्रोटीन्स डैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टेट माइट्रोकोंड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउंग मोलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास्त्रो पोरेंस प्रोटीन होते हैं जो कि बड़े पोर्स के रूप में प्लास्टिक माइट्रोकोन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया की आउटर मैम्ब्रेन में पा जाता है और ये उनके अंदर कुछ प्रोटीन के साइज़ के मोलिक्यूल्स को आने के लिए अलाउ करता है तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद है वाटर पोटेंशल ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देन इसके बाद है प्लास्टिसिटी प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्लांट्स तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ के रेस्पॉन्स में डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं और इसे ही प्लास्टिसिटी कहते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोफिली या हेट्रोफाइली इन कॉटन कोरिएंडर एंड लक्सपुर तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके एन में दिए हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैनस के बाद है देखिए जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो डाइजेशन के समय उसे हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं जैसे कि जब फूड हमारे माउथ में होता है और सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसे बोलस बोला जाता है दैनस के बाद जब वो हमारे स्टमक में आता है और हमारे गैस्ट्रिक जूस के द्वारा साथ मिक्स होता है तो उसे कायम बोला जाता है एंड जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आता है और पैंक्रियाटिक जूस बाइल और इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स होता है तो उसे कायल बोला जाता है तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है साउंड बॉक्स लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है इसलिए आपको इसे भी ध्यान रखना है तर इसके बाद है इक्थ्रोब्लास्टोसिस फुटेलिस देखिए जब भी किसी आर एस पॉजिटिव फादर या फिर मेल की आर एच निगेटिव फीमेल से मैरिज होती है तो उनके बच्चे की आर बी सी डिस्ट्रॉय होने लगती है जो कि फेटल टू फीटस और कुड कोर्स सीवियर एनीमिया एंड जोंडिस जो कि बच्चे के लिए खतरनाक होती है और उसमें सीवियर एनीमिया या फिर जोंडिस कोर्स कर सकती है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में हमने एनसीआर बायोलॉजी में दिए हुए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं पॉइंट्स देखे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको ये सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए आगे भी हम इसी तरह के पॉइंट्स देखते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं